हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऑलरेडी मैं इसको बहुत डेप्थ में आपको पढ़ा चुका हूँ, जस्ट मैं समराइज ओपिनियन दोबारा से दे रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएं कि हमें कैसे इसको एग्जाम में लिखना है और समझना है। क्लास, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस होता क्या है। तो आप बताएंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल मतलब टू टर्म यहाँ पर है फाइनेंस के बारे में, और हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इसमें हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों लेते हैं क्लास। जो कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म की बात करता है और जो है कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म की बात करता है, आपको पता है। अच्छा, लेकिन जब फाइनेंशियल मार्केट की अगर सिचुएशन की बात करें तो जब दोनों मार्केट में ऑल एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब यू कैन से कि एसेट मार्केट का प्राइस फॉल हो जाए, प्राइस लेवल ओवरऑल प्राइस लेवल डाउन चलाए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाए, फिर कंज्यूमर प्रोड्यूसर सेलर बायर सबके कॉन्फिडेंस कम हो जाए, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस कम हो जाए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी जो है क्राइसिस में आ जाए, गवर्नमेंट का डेट्स कंट्रोल ना हो पाए, यानी कि रिसेशनरी सिचुएशन आ जाए। जब मार्केट में रिसेशन सिचुएशन आ जाती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो फाइनेंशियल क्राइसिस को क्लास डिफाइन करने के लिए हम पेज नंबर 99 पे पढ़ रहे हैं, और पेज नंबर 99 पे सारा कुछ इसकी रीज़न कॉजेस और इसका इम्पैक्ट दिया गया है। लेकिन मैं समराइज कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल सिस्टम जहाँ पर जो है एसेट मार्केट फॉल हो जाए और फॉल और द फर्म प्रॉफिट एंड राइजिंग द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम राइज हो जाए, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड। अब बात आती है क्लास कि एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हैजार्ड की बात करते हैं। तो एडवर्स सिलेक्शन आपको पता है क्या है और मोरल हैजार्ड पता क्या है। एडवर्स सिलेक्शन इज बिफोर ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम और मोरल हैजार्ड आफ्टर ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम थी, और इसी को हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम में के टाइम के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था आपको। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो, एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम हो, मोरल हैजार्ड प्रॉब्लम हो, इसको मैंने अलग अलग मार्केट में आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे हमने मोरल हैजार्ड प्रॉब्लम पढ़ाया डेब्ट मार्केट में, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट में हमने, स्टॉक मार्केट में आपको मैंने पढ़ाया कि एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो यानी कि उन सब की प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि जो कैपिटल मार्केट है और मनी मार्केट है, दोनों मार्केट में चेंजेज आ जाते हैं, मतलब दोनों मार्केट में क्राइसिस आ जाता है। और जब दोनों मार्केट में क्राइसिस आ जाएगा तो ओवरऑल बोलेंगे कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस को समझने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप क्लास समझ लीजिए, क्योंकि स्टेजेस जानना जरूरी है। अगर स्टेजेस समझ में आएगा तभी आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। जैसे हम बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं, एक के बाद एक इम्पैक्ट आता है, वैसे यहाँ पर भी है। आपको पढ़ना है कि जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो एंड फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करता है, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में डिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैलेंस शीट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो शेड्यूल्स एंड नॉन शेड्यूल्स की बात करें, चाहे IDBI, चाहे LIC, चाहे हांगकॉन्ग, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे प्राइमरी डीलर्स की बात करें, चाहे ठीक है जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उन इंस्टीट्यूशन का बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। यानी कि लेंडर और बारोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो रहे हैं यहाँ पर। इस केस में एसेट प्राइसेस क्या होते हैं मार्केट में, प्राइस ऑफ एसेट्स डिक्लाइन होते थे। एसेट प्राइसेस क्या होता है क्लास, अब एसेट मार्केट बहुत सारी मार्केट्स होती है, चाहे गोल्ड की मार्केट हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट की मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, अंडरलाइंग प्राइस एसेट की बात कर रहा हूँ। अंडरलाइन एसेट आपको पढ़ा चुका हूँ कि जितने भी अंडरलाइन एसेट्स होते हैं, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे इंडेक्स मार्केट हो, चाहे बॉन्ड मार्केट हो, सब मार्केट के प्राइसेस जब डाउन स्लोप हो जाता है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हो जाती है, यानी कि जब इन सब के एसेट्स के प्राइस डाउन होंगे तो नो डाउट कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है।
क्यों इंक्रीज हो जाता है, आपको इसको पढ़ा चुका हूँ कि क्या होता है कि जो बैड बारोवर और जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो बैड इन्वेस्टर मतलब जो बैड बारोवर होते हैं जो हाई इंटरेस्ट रेट पर भी लोन ले लेते हैं और उनको उसको पेमेंट तो करना है नहीं, तो इस केस में क्या होता है कि बैंक रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है, और ऐसे प्राइस डिक्लाइन हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी कि यानी कि इस मार्केट में ये चारों रीजन हैं, ये अगर रिस्क अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाए और इंटरेस्ट रेट हो जाए, एसेट प्राइस डिक्लाइन हो जाए, बैलेंस शीट उसका जो फॉल हो जाए, तो इसी को बोलेंगे क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब फाइनेंशियल क्राइसिस आया क्यों, ड्यू टू मोरल हजार्ड प्रॉब्लम, मोरल हजार्ड एडवर्स असर प्रॉब्लम, यानी कि असमेटिक इंफॉर्मेशन की वजह से ये फर्स्ट स्टेज आ गई। जब ओवरऑल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आ जाता है, यहाँ पर डाउन हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे पड़ता है। इकोनॉमी में ऑल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है यहाँ पर कि हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ है, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे शेयर मार्केट की बात करें, चाहे गुड्स मार्केट की बात करें, यानी कि जितना भी एग्रीगेट डिमांड है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, वो क्या होता है, फॉल हो जाता क्लास। और इस फॉल होने से क्या होता है कि मार्केट में बैंकिंग क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक फॉल होने का मतलब है कि बैंक्स आगे अच्छा लोन्स नहीं दे पाएंगे। अगर लोन्स दे भी देते हैं, बैंक प्रोवाइड भी कर देता है, तो बैंक की रिकवरी नहीं हो पाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मार्केट में रिसेशन आ चुका है, डाउन हो चुका है, इससे क्या होगा कि जो भी बारोवर है वो प्रीमियम और पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि बैंक जो है आगे लोन्स भी कम देना और स्टार्ट कर देगा। दूसरी बात, वो ये नहीं समझ पाता कि गुड बारोवर लैंड और बैड बारोवर कौन है, उसके सामने असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और इससे क्या होगा कि उसका जो एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड प्रॉब्लम है और ज़्यादा वर्स हो जाती है। इसके बाद क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो यहाँ पर बैंक फेलियर हो जाता है टूटा, इसे बोलते हैं क्लास बैंक क्राइसिस। तो फर्स्ट स्टेज फाइनेंशियल क्राइसिस बाद बैंक क्राइसिस आ जाता है, और जब बैंक क्राइसिस आ जाता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि एंटीसिपेटेड प्राइस लेवल ऑफ डिक्लाइन हो जाता है। ओवरऑल जब जनरल प्राइस लेवल डिक्लाइन हो जाता है क्लास, तो यहाँ पर एडवर्स असर प्रॉब्लम और वर्स हो जाता है। बोले सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता है कि यहाँ इस मार्केट में क्या होता है कि ना तो बैंक लोन प्रोवाइड करने को रेडी है, ना तो लोग लोन लेना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट में इतना इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया, मतलब इतना इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, और एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है, प्राइस लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, प्रोडक्शन है नहीं, बहुत ज़्यादा हो चुका है, मार्केट में गुड्स की डिमांड है ही नहीं, गुड्स की एक्टिविटीज़ है, तो इस केस में क्या होगा कि जो इकोनॉमी है वो इंडिकेटर है वो डाउन जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जब डाउन चली जाएगी, तो इसे ही बोलते हैं क्लास दैट डिफ्लेशंस स्टेज थर्ड। अब स्टेज थर्ड आने का मतलब क्या है कि जब बैंक क्या करेगा, बैंक्स हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, जब लोन्स को क्या करेगा, पे नहीं कर पाएगा। यानी कि आप सपोज दैट आपने बैंक से लोन लिया है और बैंक को आपको लोन्स पे करना है, लेकिन मार्केट में आपका प्रॉफिट ही नहीं निकला, आपका जो प्रीमियम है वही देने के लिए आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप बैंक को रिकवरी कहाँ से देंगे, तो इसका मतलब होता है कि आप डिफॉल्टर में आ जाएंगे, तो यानी कि आगे बैंक आगे लोन भी नहीं देगा या कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हम इसे बोलते हैं दैट डिफ्लेशन। लेकिन ये स्टेप है, अगर इन तीनों को मिला देंगे क्लास, तो हमें बोलेंगे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस, डेट क्राइसिस। इसको और डेप्थ में समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि अगर इन तीनों के परिणाम से क्या होता है क्लास, सबसे पहली प्रॉब्लम होगी कि बैंक रन कर जाएगा, बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस मतलब होता है कि बैंक इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में आएगा, आप इसके साथ क्या ऐड करेंगे, बैंक विद असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आप पढ़ चुके होंगे, तो इसको साथ हम ऐड कर दो। दूसरा है करेंसी क्राइसिस,
क्राइसिस, क्राइसिस क्या होता है, यानी कि हम इसको इसके साथ भी जो है क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है एप्रिसिएट हो जाती है, यानी कि डीवैल्यूएशन हो जाता है। एप्रिसिएशन मतलब कि हमारा इकोनॉमी में जो आउटफ्लो कम हो जाता, आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता, इनफ्लो कम हो जाता है। इस केस में क्या होता है कि हमें एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। दूसरा क्लास होता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस इस पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या होता है कि जब हमारा एक्सचेंज रेट बहुत नीचे आता है, फिक्स एक्सचेंज रेट के बाद क्या बात कर रहे हैं, जब फिक्स एक्सचेंज रेट था लेकिन वो नीचे तरफ आ जाता है, यानी कि हम एप्रिसिएशन हो जाता है, उस केस में हमारा कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है कि हमारा करेंसी की दूसरी करेंसी में जाती है और हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, हमारा इम्पोर्ट कम ज़्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाता है। तो उस केस में बैंक को, उस केस में गवर्नमेंट को भी दूसरी कंट्री का जो पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है, तो उस केस में उसे ही बोलेंगे हम सोवरेन डेट्स, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि विदेशी कंट्री से उधार लिया है उसको पे कर सके, तो वह भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस का पार्ट हो जाता है। अगला है वाइडर इकोनॉमिक क्राइसिस, जो पूरा ओवरऑल क्राइसिस, इन सब क्राइसिस को मिला के हम वाइडर इकोनॉमिक क्राइसिस बोलेंगे। स्पेकुलेटिव बबल्स एंड क्रैश, समझ में आऊंगा कि हमें स्पेकुलेशन मार्केट में, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी डिप्रेशन में हो गई कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, मार्केट में इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा, मार्केट बूम करेगी कि तेजी आएगी, ये एक प्रेडिक्टिव अनप्रेडिक्टिव हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि रिसेशनरी सिचुएशन हम कह सकते हैं। तो स्पेकुलेटिव बबल्स को बहुत डेप्थ में समझना है, लेकिन इस समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन पढ़ा होगा, कब सेल करेंगे, परचेज कम करेंगे, कब मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगा तो आप शेयर मार्केट को सेल करेंगे, आपको लगता है कि मार्केट में घटेगा तो शेयर मार्केट को होल्ड करके रखेंगे, लेकिन ये कब होगा ये अनप्रडिक्टेबल है, तो इसे बोलते हैं कि अनसर्टेनिटी। तो आप क्लास हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि हम ये सिचुएशन को, फाइनेंशियल क्राइसिस को, अगर हमें इनके रीजंस को दिखाने हैं कि कौन कौन से रीज़न हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस के, तो रीजन क्लास आपके जो बुक्स में हैं वो यही 5 रीजंस दिखाए गए हैं, और इसको हम कोरिलेट करके आपको बताते हैं। पहला है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट रेट जब मार्केट में इंक्रीज होता है, क्यों होता है, बैंक, ये बैंक की बात कर रहा है, इसी की वजह से बैंक क्राइसिस हो जाएगा, बैंक रन करेगा, क्यों, क्योंकि असमेटिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ जो गुड बारोवर नहीं है, बैड बारोवर ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है, लेकिन रिकवरी उसकी नहीं हो पाती है, लोन्स का इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ा देते हैं, तो अच्छे जो इन्वेस्टर हैं वो लोग पैसा नहीं ले पाते हैं, बड़े इन्वेस्टर लेते हैं वो डिफाल्टर निकल जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि मार्केट में क्राइसिस आ जाता है। आपने सुना होगा अभी यूएसए वाला एग्जांपल, मॉर्गेज वाला, कि बैंक ने क्या किया है, बैंक ने हाउसिंग लोन्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, हाउसिंग लोन तो दे तो दिया लेकिन उसका जो लोन्स की रिकवरी है वो नहीं हो पाई, तो बैंक के पास क्या आया, वो होता है कि अगर आप लोन नहीं पे कर पाएंगे, आप प्रीमियम नहीं पे कर पाएंगे, तो वो जो हाउस है, जो एसेट्स है, रियल एसेट्स है, वो बैंक की हो जाती है, लेकिन बैंक को रियल एसेट्स को सेल करना है तो कोई भी लेन सेल नहीं, कोई इसको परचेज नहीं कर रहा है, तो बैंक पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, यानी कि रन कर गया। इस तरह से इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी, इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी का मतलब होता है क्लास, इस चीज़ को आप इसे जोड़ देंगे स्पेकुलेटिव्स, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है कि फ्लक्चुएशन होगा नहीं होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टमेंट या गुड जो कंज्यूमर होता है वो पैसा बैंक से निकालना शुरू कर देता है। जैसे अभी यस बैंक पीछे डूब रहा था तो लोगों ने क्या किया, पैसा विड्रॉल करना शुरू किया। जब लोग जो विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं तो बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, उसकी जो लायबिलिटीज है नहीं हो पाती है, तो आगे लोन कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसका जो एसेट्स है, लायबिलिटीज और एसेट्स में डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो क्रेडिट क्रिएशन और मल्टीप्लायर प्रॉपर वर्क थोड़ी कर पाएगा, तो इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। दूसरा है एसेट मार्केट इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट। तो एसेट मार्केट में क्या होता है, एसेट्स मार्केट का जो जितना भी बैलेंस इफेक्ट है वो बैलेंस शीट, वो क्या होगा, हम इससे कॉलेक्ट कर देंगे, पॉइंटों को बता देंगे। अगला है प्रॉब्लम इन बैंकिंग सेक्टर, जिससे एनपीए बढ़ जाता है, तो इस पॉइंट को आप क्लास इसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक है।
क्योंकि क्राइसिस प्रॉब्लम इन बैंकिंग सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एनपीए बढ़ जाता है। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है कि जो बैंक लोन प्रोवाइड करता है उसका प्रीमियम प्लस मूलधन वापस नहीं आ पाता, या जीरो नॉन पीएम होता है, या नॉन परफॉर्मेंस एसेट इतना बढ़ जाता है कि बैंक की रिकवरी नहीं हो पाती। जितना बैंक का कारोबार होता है वो टोटली लोन पे डिपेंड करता है, लोन्स देता है लेकिन रिकवरी नहीं हो पाती, तो एनपीए ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके बैंक का फेलियर हो जाता है। अगला क्लास गवर्नमेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस, फिजिकल डेफिसिट पढ़ा होगा आपने। तो जब गवर्नमेंट इम्बैलेंसेस की वजह से भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, क्यों आता है क्लास? रीज़न क्या है कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है डेफिसिट कम हो जाता है, रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से तो उस केस में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है कि फंड को कलेक्ट करना पड़ता है। फंड को कलेक्ट करने के लिए क्या करता है वो फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल बिल लॉन्च करता है। फाइनेंशियल बिल लॉन्च करने का मतलब है कि ट्रेजरी बिल्स लॉन्च करता है, और ट्रेजरी बिल किसके थ्रू लॉन्च करता है? आरबीआई के थ्रू। और आरबीआई किसके, आरबीआई को कौन परचेज करते हैं? प्राइमरी डीलर्स परचेज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज करते हैं, और बैंक परचेज करते हैं। लेकिन ऑलरेडी ये क्राइसिस में है तो बैंक के पास रिकवरी के लिए फिर का प्राइमरी डिफिसिट, आपने सुना होगा प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, और फाइनेंस डिफिसिट क्या होता है। तो इस केस में क्या हो जाए, इसका डिफिसिट बढ़ जाता है, और जब डिफिसिट बढ़ जाता है तो दूसरी कंट्री का पेमेंट भी नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं सोवर्जिन डेट्स। तो गवर्नमेंट का भी डेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो गवर्नमेंट भी क्राइसिस में आना शुरू हो जाता है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हो जाती है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो रीजन है वही रीजन इससे मैच करते हैं, और ये रीजन जो है इसके कॉजेस से मैच करते हैं। तो हम इन सारे कॉजेस को ध्यान समझना क्लास, हमें हम हालांकि फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं समराइज करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करेंगे तो आप पहले इन पॉइंटों को बता देंगे कि किस स्टेप में आता है, फिर आप बताएंगे कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइप्स कैसे हो जाते हैं, और इन टाइप्स को वजह से अलग अलग टाइप्स की वजह से यही रीजन आ जाएगा, क्योंकि हर एक रीजन को हर एक टाइप से आप दिखा दीजिए, फिर ओवरऑल दिखा दीजिए। यही था क्लास फाइनेंशियल क्राइसिस, और फाइनेंशियल क्राइसिस को दिखाने के लिए आपको बैंकिंग क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस, और एशियन मार्केट क्राइसिस या डेट क्राइसिस, ये सब आप दिखा सकते हैं तीनों। कुल मिला के हमारा जो चैप्टर था फाइनेंशियल असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, उसमें से तीन तरह के असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा था आपने, डेट पढ़ा था आपने, इक्विटी पढ़ा था, बॉन्ड पढ़ा था, ठीक है। तो बॉन्ड्स ये हो गया, और डेट ये हो गया, और इक्विटी ये हो गया, और इसी तीनों प्रॉब्लम की वजह से असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन विद फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको जो यूएसए वाला फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं पढ़ना है, आपको आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्राइसिस को समझना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन क्या होता है, ठीक है क्लास। सो आई होप कि पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।